स्टूडेंट्स आई आई एम एम फ़हीम योर मैथ्स टीचर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.3 पॉइंट थ्री कर रहे हैं आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.3 में ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स कर रहे हैं हमने देखा था कि जब हम एड एड और सब्ट्रैक्ट करते थे सर्ट्स को तो हम किस तरह से कर सकते थे जब हमारे पास सिमिलर सर्ट्स होते थे सिमिलर सर्स का मतलब है हैविंग सेम इशनल फैक्टर्स मीन्स यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं जिससे आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं फोर्स्केयरूट थ्री एंड टू स्केयरूट थ्री यहाँ पर जो स्केयरूट थ्री है ये एक इ जो है वो फैक्टर है जो उसने कहा है हैविंग सेम इशनल फैक्टर तो यहाँ पर दो सर्ड्स हैं ये सर्ड्स हैं फोर स्केयरूट थ्री एंड टू स्केयरूट थ्री जो हैं ये टू सर्ड्स हैं और इनमें जो उसके रूट थ्री है वो सेम इशनल फैक्टर है यहाँ पर हम इन्हें दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब भी कर सकते हैं और ये हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री के क्वेश्चन में किया है इसके अलावा हम सर्ट्स पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं टू सर्ट्स की डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं सेम ऑर्डर सर्ट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास n की वैल्यू होती है जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं a और ये बाहर n है n को हमने कहा था ये ऑर्डर को शो करता है ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स ऑर्डर ऑफ इंडेक्स को शो करता है तो यहां पर यह शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड तो यहां पर मीन्स हमारे पास अगर सर्ड्स के सेम ऑर्डर हो तो हम उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लें यहाँ पर क्यूब रूट फोर है यानी ये जो थ्री है ये थर्ड ऑर्डर सर्ड है इसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर सर्ड जिसकी पावर यहाँ पे फोर होगी उसको हम कहेंगे फोर्थ ऑर्डर सर्ट और जिसकी पावर यहाँ पर फाइव होगी हम उससे कहेंगे फिफ्थ ऑर्डर सर्ट तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ थ्री और यहाँ पर अगर आप देखें तो थ्री दो सर्ड ये हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट फोर और क्यूब रूट टेन जो है टू सर्ड हैं इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं सेम हैं यानी थ्री हैं तो हम इन्हें क्या है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने उन्हें एक के रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया और ये लॉ ऑफ सर्ट को यूज़ किया है बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्ट भी कह सकते हैं और लॉ ऑफ सर्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने इन दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई किया यानी एक ब्रैकेट में करके और ये हमारा आंसर आया 40 क्यूब uh, रूट 40 इसी तरह से हम इन दोनों सर्ट्स को क्योंकि इनकी ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं तो डिवाइड करते हुए भी, भी यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ सर्ट को यूज़ किया है जिसके मुताबिक अगर दो जो सर्ट हैं वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उन्हें एक स्वेयर रूट के अंदर कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फ़ोर ओवर टेन किया और कटिंग करके हमने लिख दिया टू ओवर फाइव यहाँ पर हम इन्हें फ़ोर और टेन को कटिंग नहीं कर सकते थे हमने यहाँ पर लॉ को यूज़ करते हुए इन सर्ट्स को डिवाइड किया है सेम ऑर्डर सर्ट को और ये थ्री जो है वो वन टाइम यहाँ पर लिख दिया है और इस तरह से हमारा जो सर्ड है उनकी डिवीज़न हो गई ये डिवीज़न है और ये मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स अब जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर्ड्स एक्सप्रेशन की सर्ड एक्सप्रेशन किसे कहते हैं सर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं जब हमारे पास टू जो सर्ड्स हैं ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास रैशनल नंबर और एक सर्ड जो है वो एक साथ प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन किया हो तो हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं इसी तरह से सर्ड्स एक्सप्रेशन ये भी हो सकते हैं इसके रूट टू प्लस उसके रूट थ्री ये भी एक सर्ट एक्सप्रेशन है इसी तरह से हम अब जो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे तो उसके क्वेश्चन नंबर फोर में हम सर्स एक्सप्रेशन की मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे या हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सर्स एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इससे पहले हमने सिर्फ सर्ट से डील किया था सर्ट्स की हमने एडिशन करवाई थी फोर में सबट्रैक्शन देखी थी और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखी थी इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं या प्रोडक्ट देख रहे हैं सर्च एक्सप्रेशन का यानी कि इस तरह की फॉर्म होगी हमारे पास तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर का है, जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें हमारे पास पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट है थ्री प्लस स्क्र रूट थ्री इन टू थ्री माइनस रूट थ्री हमने इसको करना है सिंप्लीफाई और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स ये यह हम यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करेंगे हमारे पास एक फार्मूला है ए स्कूर माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो थ्री है इस वक्त वो फार्मूला के मुताबिक ए है और जो स्कूर रूट थ्री है पूरा सर्ट जो है जिसको हम सर्ट भी कहते हैं वो क्या है b है इसी तरह से फार्मूला में a और b दोनों फैक्टर्स में सेम होना चाहिए और दरमियान में प्लस और दूसरे फैक्टर में माइनस होना चाहिए तो हम इन पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र तो हम अपने क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें भी जो ए है थ्री वो दोनों फैक्टर में सेम है और जो बी पोजीशन पे है स्केयर रूट थ्री वो भी दोनों फैक्टर में सेम है और सेंटर में प्लस है और दूसरे फैक्टर में माइनस है और ये दोनों जो हैं हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्मूला के मुताबिक लिखा हुआ है तो हम इस पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बना सकते हैं तो यहाँ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिखने लगी हूँ थ्री स्क्र रूट थ्री इन टू थ्री माइनस स्क्र रूट थ्री ज इक्वल टू का साइन यहां पर मैं फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करूंगी यानी इसकी में लेफ्ट साइड जो है वो बनानी है तो लिखते हैं स्क्वेयर ए क्या है यहाँ पर थ्री उसका स्क्र लिखेंगे माइनस बी क्या है स्कूट थ्री और उसका स्क्र लिखेंगे अब इसको हम करते हैं सोल्व थ्री का स्क्र का मतलब थ्री कितने टाइम्स है टू टाइम्स है थ्री थ्री दाइन माइनस ये जो स्क्वेयर है कैंसल हो जाएगा ये प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल के मुताबिक है जिसमें हमारे पास रूट है इसका मतलब क्या है वन बाय टू और ये यह यहाँ पर हम कभी लिखते हैं और कभी नहीं लिखते ना लिखें तो कोई भी कोई मसला नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वन बाय टू के इक्वल है और बाहर हमारे पास इस वक्त क्या था टू तो ये टू टू से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर इस तरह से ये टू के रूट से कैंसिल आउट हुआ है और ये हमारे पास आंसर आया थ्री नाइन माइनस थ्री होता है सिक्स तो ये हमारा है आंसर दो हमारे पास जो सर्ट एक्सप्रेशन थे उनकी प्रोडक्ट आई है सिक्स और ये एक रेशनल नंबर आया है इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे पार्ट में हमारे पास जो सर्ज एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है एक एक्सप्रेशन ही है, और इसका है यहां पे हमारे पास जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला है वो है ए प्लस बी होल स्क्र इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी इस फार्मूला को यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपने सर एक्सप्रेशन को ओपन करूंगी सिंपलीफाई करूंगी तो सोलूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं ए स्क्वेयर ए यहाँ पर क्या है स्क्र रूट फाइव पूरा ए है और स्क्र रूट जो थ्री है वो पूरा बी है तो यहाँ ए जो हमारे पास है तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्यर रूट फाइव क्योंकि हमारे पास जो ए है फॉर्मूला के मुताबिक वो यहाँ पर है स्क्यर रूट फाइव तो ए स्क्र प्लस बी क्या है स्क्यर रूट थ्री तो बी स्क्र प्लस टू ए क्या है यहाँ पर स्क्यर रूट फाइव और बी क्या है स्क्यर रूट थ्री तो ये हमने फार्मूला ओपन किया है इस फार्मूला को फॉलो करते हुए अब यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी टू को स्केयर रूट से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आंसर आता है फाइव प्लस स्क्यर को स्केयर रूट से कैंसिल किया तो आता है थ्री प्लस और यहाँ पे अगर आप देखें तो टू सर्ट्स क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हमने अभी पढ़ा था कि हम टू सर्ट्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो तो यहाँ इस सर्ट का ऑर्डर भी टू है और जो हमारे पास स्क्यर रूट थ्री है इसका ऑर्डर भी टू है टू इसलिए है कि जो स्केयर रूट है इसकी वैल्यू जो होती है वो सर्ट की टू होती है यहाँ पे जो इंडेक्स होता है रूट होता है वो टू होता है इसलिए दोनों के ऑर्डर जो हो क्या है टू है हम लिख सकते हैं ये दोनों सेकेंड ऑर्डर सर्ड हैं तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सर्ड है तो इसलिए हम दोनों सर्ड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो इस तरह से कि एक ब्रैकेट के अंदर दोनों को रखेंगे और फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री और ये हमने लॉ ऑफ सर्ट से किया है लॉ ऑफ सर्ड हमारे पास है कि अगर दो सर्ट जो हैं वो उनके ऑर्डर सेम हों और वो सेपरेट जो है क्योर रूट के अंदर तो हम उन्हें एक स्क्य रूट के अंदर रख सकते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास लॉ ऑफ सर्ड है अब इनको हम फर्दर जो है वो सिंपलीफाई कर लेते हैं फाइव प्लस थ्री दोनों नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम जो है तो फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट प्लस टू स्क्र रूट के अंदर फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री करेंगे तो आता है फाइव थ्री दिफ्टीन तो ये हमारा जो है वो टू सर्ड एक्सप्रेशन का आंसर है एट प्लस टू स्क्र रूट फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट है स्क्र रूट फाइव प्लस स्क्र रूट थ्री ये एक सर्ड एक्सप्रेशन है और दूसरा सर्ट एक्सप्रेशन है स्क्यर रूट फाइव माइनस स्क्र रूट थ्री इन दो सर्ड एक्सप्रेशन के हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और ये हमने प्रोडक्ट जो है वो फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे जो फार्मूला हमने पहले यूज़ किया था ए स्क्र माइनस बी स्क्र का जिसके मुताबिक ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी होता है तो यहाँ पे फार्मूला में इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फार्मूला का ए है स्क्यर रूट फाइव और फार्मूला का जो बी है वो है स्क्यर रूट थ्री तो यहाँ पर ए दोनों फैक्टर में सेम है और बी भी दोनों फैक्टर का सेम है और सेंटर में प्लस और माइनस है तो हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे इस फार्मूला के मुताबिक लिखूंगी स्क्यर रूट फाइव ए है ए स्क्र माइनस स्क्र रूट थ्री जो कि बी है बी स्क्र तो ये हमारे पास फार्मूला की लेफ्ट साइड आ गई है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें स्क्र को स्केयर रूट से कैंसिल आउट किया तो फाइव माइनस स्क्र को स्क्र रूट से कैंसिल करें तो आता है थ्री फाइव माइनस थ्री क्या होगा प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस थ्री टू और साइन जो है वो यहाँ पर कौन सा आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन आएगा प्लस का ही जो हम लिखते नहीं हैं क्यों प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है वो फाइव है अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट है स्क्र रूट टू प्लस वन ओवर रूट थ्री ये एक सर्ड एक्सप्रेशन है और दूसरा साइड एक्सप्रेशन है स्क्यूट टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट थ्री यहाँ पर सोल्यूशन इसका जो है हम फार्मूला की मदद से ही करेंगे अभी जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है इसी फार्मूला के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं ए स्क्र ए क्या है यहाँ पर टू ये फार्मूला क्यों यहाँ पर अप्लाई हुआ है क्योंकि ए दोनों फैक्टर में सेम है और बी जो है वो भी दोनों फैक्टर में सेम है और सेंटर में माइनस और प्लस साइन है तो यहाँ पर लिखा हमने ए स्कोय रूट टू ये जो मैं ए और बी बोल रही हूँ ये फार्मूला का ए और बी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर हमारे पास जो ए है फार्मूला का वो स्केयर रूट टू है और जो बी है वो वन ओवर स्केयर रूट थ्री है तो वन ओवर स्केयर रूट थ्री होल ये मैंने ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखा है फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्क्वेयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया टू माइनस स्क्यर्स के रूट से कैंसिल हो गया तो आ गया स्टूडेंट्स ये जो मैंने बाहर स्क्यर लगाया है ये वन ओवर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्यर तो वन ही होता है तो ये स्क्वेयर जो है वो स्केयर रूट थ्री के ऊपर है इस तरह से ये स्क्यर्स के रूट से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया वन ओवर थ्री ये आपने वन ओवर में ही रहने देना है थ्री को सिंपली थ्री नहीं लिखना है अब हम इसको फर्दर जो सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ पर हम एल्सीयम लेंगे एल्सीय है थ्री थ्री टू दिक्स माइनस वन तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस सिक्स में से वन माइनस करें तो आता है फाइव फाइव ओवर थ्री अगर यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कटिंग हो सकते थे तो मैं यहाँ पे कटिंग कर देती लेकिन यहाँ पर ये यह फाइव ओवर थ्री को तो हम कटिंग नहीं कर सकते हमारा आंसर है फाइव ओवर थ्री अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का हमारे पास लास्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट है स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट वाई अब ये हमारे पास x और y की फॉर्म में आ गए हैं यहाँ पे कोई हमें नंबर्स का नहीं पता है कि रेशनल नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है क्योंकि सर्ट्स के अंदर हमने कहा था कि जो रेडिकेंड है वो रेशनल नंबर होता है हमने ये सर्ट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो रेडिकेंड है वो रेशनल होता है और उस पूरे जिसके रूट के अंदर यानी जो रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है उसका आंसर पूरा रिजल्ट जो है वो इरेशनल आए तो हम उन्होंने उसको सर्ट कहा था तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्ट जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है मैंने सब इतना बताने के लिए आपको ये सर्ट को रिवाइज किया है कि सर्ट क्या होता है सर्ट में तो नंबर हम यूज करते हैं ना यहाँ पे रेशनल तो यहाँ पे एक्स है जरूर ये रेशनल नंबर ही होगा जो भी होगा तो यहाँ पर ये अननोन है इसको मैं अगेन राइट कर लेती हूँ के रूट एक्स प्लस के रूट वाई के रूट एक्स इसको हमने सर्ट का नाम दिया है अब यहाँ पर स्के रूट एक्स माइनस स्ट वाई फिर ब्रेकिट हमारे पास एक्स प्लस वाई फिर प्लस वाई स्क्र सभी सेड नहीं है और ये भी सर्ड नहीं है क्योंकि सर्ड में रेडिकल साइन का होना जरूरी है तो यहाँ पर अब हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे सोलूशन में हम सिंप्लीफाई करते हैं इन्हें तो अगर आप यहाँ पर देखें पहले दो फैक्टर्स को तो यहाँ पर क्या है ए, A और ए दोनों फैक्टर में सेम है बी और बी की पोजीशन पे जो हमारे पास सर्ड है दोनों सेम है और दरमियान में क्या है प्लस और माइनस तो हम इन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर का तो यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये मैंने इन दोनों फैक्टर्स का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है बाकी जो दो फैक्टर्स हैं इनको एज इट इज लिखूंगी एक्स प्लस वाई इन टू एक्स प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू स्क्र रूट से कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स माइनस वाई ये हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं एक्स प्लस वाई बाकी फैक्टर्स को हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो अब फैक्टर्स आए हैं इनमें हमारे पास पहले फैक्टर का जो ए पोजिशन वाला नंबर है वो दूसरे फैक्टर के नंबर के सेम है इसी तरह से बी पोजिशन वाले फैक्टर भी सेम है नंबर भी सेम है और दरमियान में क्या है माइनस और प्लस तो हम इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्यर माइनस बी स्क्र का तो क्या मैं करूँगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र ब्रैकेट क्लोज ये दोनों फैक्टर ने मिलकर यहाँ पर ये प्रोडक्ट दी है इसी तरह से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को एज़ इट इज़ लिखेंगे इसकी यहाँ पर जो फर्दर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है दो फैक्टर्स की वो भी फार्मूला से ही होगी यहाँ पे देखें तो ये है ए पोजीशन पे और यहाँ दूसरे फैक्टर में भी ए पोजीशन सेम है इसी तरह से बी पोजीशन वाले नंबर्स भी दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर यहाँ पर जो मैं ए स्क्र लिखा है स्टूडेंट्स ए पूरा यहाँ पर ये यह जो स्क्र है ये फार्मूला का स्क्वेयर नहीं है ये ए का स्क्र है कि यहाँ पर जो ए था वो एक्स स्क्र है तो यहाँ मैंने लिखा ए और ऊपर लिखा स्क्र फार्मूला का माइनस बी बी पूरा क्या है वाई स्क्वेयर ऊपर इसका फॉर्मूला का स्क्वायर ये है तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम एक्स टू टू द फोर माइनस वाई टू टू द फोर तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट आई है सिंप्लीफाई हो गया है हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर में टू और टू से ज्यादा फैक्टर्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट की है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे सी योगे ने नेक्स्ट लेक्चर